ये एक काम कर लो, 80% सेक्स समस्याओं का हल आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपको जल्दी निकल जाता है, हो सकता है कि लैंगिक कठोरता नहीं आती, हो सकता है कि और कुछ समस्याएं आपको है, सभी ठीक हो सकती है। तो ये क्या है जादू, आइए मैं बात करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत लोग जो आते हैं जिनको प्रॉब्लम है कि जल्दी निकल जाता है, या लिंग में कठोरता नहीं आती, टाइटनेस नहीं आता, हस्तमैथुन की आदत है, रात में निकल जाता है, थकान आती है बहुत निकल जाने के बाद में, या हस्तमैथुन की आदत लग चुकी है, पेशाब में वीर्य जाता है, होमोसेक्सुअलिटी है, बदलने का है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास में आते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। ये एक काम करो, आपको फ़ायदा हो जाएगा। काम कौन सा है? काम है खुद को फिट रखने का। और खुद को यदि फिट रखेंगे बॉडीली और मेंटली, यदि आप अपने आप को फिट रखते हैं तो आपका सेक्स लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अपने आप को बॉडीली कैसा फिट रख सकते हैं? बॉडीली फिट रख सकते हैं आप हरदम हरदम उपवास करके। उपवास क्या होता है? उपवास मतलब खाना खाने का नहीं है। ऑटोफेजी आपने नाम सुना होगा। ऑटोफेजी में क्या होता है? ऑटोफेजी में जब आप बाहर से खाना खाना बंद कर देते हैं तो अंदर से अपने जो सेल्स है, वो अंदर का जो कचरा है, सेल्स के अंदर का जो कचरा है, जो कोशिका है उनके अंदर जो कचरा है, उसको वो कोशिकाएं खाने लगती है जब बाहर से खाना बंद हो जाता है तो। और जो कचरा जब खाने लगती है तो नेचुरली अपना अपनी जो बॉडी है अंदर से वो साफ हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी चालू कब होती है? ऑटोफेजी चालू होती है यदि आप 16 घंटे फास्ट करते हैं तो, उपवास करते हैं तो। रोज 16 घंटे मतलब बचा कितना है? 8 घंटे का विंडो है, 8 घंटे का विंडो है, और वो 8 घंटे में आपने खाना खाना है, 8 घंटे की विंडो में। इसका मतलब शाम को 6 बजे खाना खा लिया, जो मैं हरदम रिकमेंड करता हूँ कि सूर्यास्त के पहले खाना खाने का है, 6 बजे खाना खा लिया, बाद में क्या होगा, कल सुबह 6 बजे तक हो गए 12 घंटे, और सुबह 10 बजे तक हो गए 16 घंटे। तो आज शाम को 6 बजे खाना खाने के बाद में कल सुबह 10 बजे तक कुछ खाने का नहीं है, सिर्फ पानी पीने का है। और 10 बजे फिर आपने जो भी खाना खाना है वो खाने का है। 10 बजे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही खाना खाने का है, ना पहले ना बाद में। मतलब 16 घंटे आपकी ऑटोफेजी हो गई, 16 घंटे आप पेट खाली रखते हो, और उसके बहुत फायदे हैं। आपकी सेक्स की इच्छा बढ़ जाएगी, आपको बहुत हल्का लगेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब पेट खाली रहता है तो नेचुरली ऊर्जा जो है वो पूरे शरीर में आती है, उत्साह जोश जुनून पूरे शरीर में आता है। हम क्या करते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये पियो वो पियो, तो हमारी पूरी एनर्जी वो पचान में चली जाती है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि भाई शाम को सूर्यास्त के पहले खाना खाना है, उससे फ़ायदा क्या होगा, रात को नींद जो है 7-8 घंटे की, उसमें वो 16 घंटे में के 8 घंटे तो नींद में चले जाते हैं, यानी अपनी तकलीफ कम उतनी, 16 घंटे बिल्कुल खाने का नहीं आ रहे, उसमें से 8 घंटे नींद में चले गए। तो आयुर्वेद में बोला है सूर्यास्त के पहले खाना खाओ, वो करो। अक्षय कुमार जो है उनके काफ़ी सारे वीडियोज में देखे हुए, उन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई आप शाम को जितने जल्दी खाना खा सकते हो उतने खाना खा लो। जैनिज्म में क्या बोला है? जैनिज्म में यही है, शाम को 6 बजे के पहले खाना खाने का, या सूर्यास्त के पहले खाना खाने का है। मनोज वाजपेयी अपने इसमें ये भी बोलते हैं कि भाई नहीं जल्दी खाना खा लो। तो इससे क्या होता है, इससे अपने जो सेल्स है, अपने कोशिकाएं अपने आप को खाने लगती है, अंदर की गंदगी खाने लगती है। इसमें लोगों का ऑब्जेक्शन आता है। ऑब्जेक्शन क्या आता है? ऑब्जेक्शन आता है कि भाई 6 बजे के पहले खाना खा लिया रात को भूख लग जाएगी। रात को आपको भूख लगेगी क्योंकि आपको वो आदत लग चुकी है कि रात को 9-10 बजे खाना खाना, तो वो भूख लग जाएगी, या सुबह भूख लगेंगी जल्दी, ऐसा भी ऑब्जेक्शन आता है। आने दो, भूख लगने दो। आपने जब जब भूख लगती है तो क्या करना है, एक गिलास पानी पीना है, और एक गिलास में नींबू, शहद, सेंधा नमक, सेंधा नमक थोड़ी टेस्ट के लिए, समझो आप इलायची डाल देते हैं
बहुत बढ़िया लगेगा आपको, पानी पी लो। फिर ऐसा लगता है, ऐसे लोग बोलते कि नहीं भाई मैं तो शाम को घर में आता ही 8 बजे 9 बजे, ऑफिस में रहता हूँ, तो शाम को ऑफिस में भोजन करने की आदत डाल दो। शाम को आप ऑफिस में भोजन कर देंगे, उसके लिए क्या करना वो करो। धीरे धीरे आपने ऐसी आदत डाल दिया सब लोगों को घर के, शाम को 6 बजे के पहले आपने खाना खाना है, सब एक साथ खाएंगे और वातावरण ऐसा तैयार हो जाएगा। नहीं तो फिर आप अकेले ही जल्दी खाना खा रहे, बाकी लोग नहीं खा रहे, बाकी लोग आपको बोल रहे अरे खा लो खा लो, तो फिर आपका वातावरण ठीक नहीं रहा, तो आप भी उसमें फंस जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें स्टडीज़ में ये पाया गया है कि डिनर मतलब रात का खाना और ब्रेकफास्ट सुबह का, इसमें जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे 16 घंटे से 20 घंटे दिया तो बहुत ही बढ़िया है। तो वो लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस में गोलियाँ उनकी कम हो जाती है, इंसुलिन का डोज कम हो जाता है। एक 2020 में स्टडी की, उन्होंने ये किया है कि भाई लोगों को एक ग्रुप किया, उनको 16 घंटे का फास्टिंग करवाया और दूसरा ग्रुप था उनको बस कभी भी खाओ कुछ भी करो। तो जिनको फास्टिंग करवाया उनका वजन 10 किलो से कम हुआ, तंदुरुस्त रहे, फिट रहे। तो इससे होता क्या है, इसके जरिए ऑटोफेजी के जरिए आपका जलन, आपकी जो पेट की जलन, अंगार, अपचन, वो ठीक होता है, क्योंकि 16 घंटे आप फास्ट करते हो, उपवास करते हो, पेट की चर्बी कम हो जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटस कम हो जाता है, गोलियों की मात्रा कम होती है, माइग्रेन सिरदर्द कम होता है, गैसेस पेट के ठीक हो जाते हैं, चमड़ी चमकना चालू हो जाएंगी, आप यंग दिखेंगे, जवान दिखेंगे, आपके दिमाग में आपके शरीर में जोश जुनून उत्साह आएगा और आपकी सेक्स लाइफ देखो इतनी बेहतरीन हो जाएंगी, आपकी पत्नी आपके पार्टनर बोलेंगे यार आप ऐसा लग रहा है कि आप 10 साल बहुत जवान लग रहे हो। तो ऐसा डेफिनेटली करो, देखो कितना फ़ायदा होगा है, बता दो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।